गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम मोशन पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे तो हम चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ चुके हैं। चार्ज पार्टिकल का मोशन था नॉन यूनिफॉर्म पिच के साथ हेलिकल पाथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नॉट आई कैप एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट जे कैप वाई एक्सिस में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर। चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया ओरिजिन से, ठीक है। ये मैं आपको एक्स जेड प्लेन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो के अगर इधर है तो आई क्रॉस जे के होता है, तो जे अंदर रहा होगा तभी तो के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस अंदर है, वाई एक्सिस अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हुआ क्या, ओरिजिन पे चार्ज पार्टिकल रखते ही उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसलिए लगा क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया चार्ज के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज था तो जैसे ही फोर्स लगा उसी समय कुछ वेलोसिटी आई। उस वेलोसिटी के आने की वजह से हमारे पास V आ गया, B आ गया। तो V और B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स भी लगना शुरू हो गया, फिर कौन सा, मैग्नेटिक भी, ठीक है। सही बात है बेटा। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा हो कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना। और जैसे ही इस इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी इधर आई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने की वजह से वी क्रॉस बी करूँगा, फोर्स ऊपर आएगा। फोर्स ऊपर होने की वजह से, वेलोसिटी इधर होने की वजह से चार्ज पार्टिकल थोड़ा ऐसा मोशन करेगा, ऐसा कर्वीलिनर पाथ ओबे करेगा। चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस में किसी भी रूप में नहीं चलने वाला। कौन से प्लेन में चलेगा, एक्स जेड प्लेन में चलेगा। इतनी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होने वाली है वो होने वाली है वी एक्स आई कैप और वी जेड के कैप। वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के पास नहीं है, चार्ज पार्टिकल के पास वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है कि चार्ज पार्टिकल में वाई एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लगा। और चार्ज पार्टिकल इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में आएगी भी क्यों जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो सही है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वी आ गया हमारे पास, तो नेट फोर्स हमारे पास कौन कौन सा होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो लग रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कितना लग रहा है, क्यू ई नॉट आई कैप लग रहा है। मैग्नेटिक कितना लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सब आई जे के तो जानते ही हैं, आई जे के, है ना। I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, K क्रॉस I J होता है। उल्टा करोगे तो नेगेटिव आ जाता है, बोलो सब जानते हैं। चलो तो ये फोर्स आ गया चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो फोर्स कितना आ गया चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो आ गया Q E नॉट I कैप प्लस Q Vx B नॉट Vx B नॉट I क्रॉस J होता है K कैप प्लस Q वी जेड बी नॉट, क्यू वी जेड बी नॉट, सही है। के क्रॉस जे होता है माइनस आई, बोलो सही बात है, ऐसे ही आएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, नेट फोर्स आ गया चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी जेड बी नॉट, क्यू वी जेड बी नॉट किसके साथ, आई कैप के साथ, और के कैप के साथ क्यू वी एक्स बी नॉट के कैप के साथ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आ, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस वाली, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस वाली, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एक्स एक्सिस वाली एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट अपॉन एम, सही पक्का। और जेड एक्सिस वाली एक्सेलरेशन आएगी क्यू वी एक्स बी नॉट अपॉन
अपॉन क्या आएगा बेटा? एम। क्या आएगा? एम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक? पक्का? ऐसा लिख सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या किया गया बेटा, ध्यान से देखो। इसको लिखा गया डी वी एक्स बाय डी टी, और इसको लिखा गया डी वी जेड बाय डी टी। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिला, अभी बात करता हूँ उसके बारे में। डिफरेंशिएट क्या मिला, डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट। क्यू ई नॉट बाय एम कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया। माइनस क्यू बाय एम तो आ ही गया, बी नॉट आ गया, और डी वी जेड बाई डी वी जेड बाई डी टी आ गया, और डी ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेड रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया ए जेड। ठीक है, और ये माइनस आ गया। पक्का? फिर माइनस क्यू बी नॉट बाय एम और ए जेड कितना आ गया, ये लिखा हुआ है क्यू बी नॉट बाय एम इंटू वी एक्स। बोलो सही बात है? पक्का? ध्यान से देखो तो डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बी नॉट स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर इंटू वी एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन। सही है, ये इक्वेशन आ गई है। कि इक्वेशन किसको रिजेंबल कर रही है, याद करो, ए प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू जीरो। याद आया? बोलो, SHM की इक्वेशन है, x में SHM है। बोलो सही बात है कि नहीं है? यहाँ पर SHM किस में है, Vx में। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस डू SHM, क्या कर रही है, SHM कर रही है। तो SHM की इक्वेशन होती थी, याद करो, इसके जनरल सॉल्यूशन होता था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली इसका हुआ वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फेस। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा होगा क्यू बी नॉट बाय एम। ओमेगा तो हमें पता है ना, तो मुझे पता ए और ना मुझे पता फाई। ठीक है ना, ए एंड फाई आर अननोन्स, ए एंड फाई आर, ए एंड फाई आर अननोन्स। ठीक है, लिख लेते हैं आप, ए एंड फाई आर अननोन। कंडीशन क्या है, कंडीशन वन लगा रहा हूँ, कंडीशन वन ये लगा रहा हूँ कि एट टी इक्वल टू जीरो वी एक्स इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, एक्स एक्सिस ठीक है, नहीं थी, बिल्कुल थी। तो टाइम जीरो डालो तो कितना आ गया फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू आ गई बेटा जीरो। कितनी आ गई फाई की वैल्यू, जीरो आ गई, आ गई। क्यों, टाइम जीरो डालूंगा जीरो हो गया, और साइन फाई आ गया इक्वल टू जीरो। साइन फाई जीरो आ गया तो फाई कितना आ गया, जीरो आ गया। सेकेंड इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आया, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ए एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स एक्स में एक्सेलरेशन आएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि फाई तो जीरो ही है ना, ओमेगा बाहर आ जाएगा, फाई जीरो है, ओमेगा कोस ओमेगा टी। एट टी जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कंडीशन टू है ना, दिस इज कंडीशन टू। एट टी इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन है टाइम जीरो पे, एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स है, सिर्फ ये वाला फोर्स है, और ये कितना है क्यू ई नॉट बाई एम, एक्सेलरेशन है, फोर्स क्यू ई नॉट है। बोलो सही है? तो जब मैं डालूँगा यहाँ पे डालूँगा ए एक्स की जगह, सॉरी क्यू ई नॉट बाई एम इज इक्वल टू ए ओमेगा आएगा क्यू बी नॉट बाई एम, और टाइम जीरो कॉस जीरो डिग्री वन हो गया, एम से एम कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ए आ गया ई नॉट बाई बी नॉट, एम्पलीट्यूड भी आ गया, फेज भी आ गया, और ओमेगा भी आ गया, ओमेगा तो पहले ही आ गया था।
बोलो, तो ए और फाई अननोन थे, दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो फाइनल इक्वेशन में बस क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन में इसको इरेज कर रहा हूँ, ऊपर बन गई फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। फाइनल इक्वेशन बन गई, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में आ गई मेरे पास, ई नॉट बाय बी नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा मैं जानता हूँ क्यू बी नॉट बाय एम। ओमेगा कितना है, क्यू बी नॉट बाय एम, सही। मुझे करना क्या है, मुझे बताना क्या है आपको, आप मुझे बता देना। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एक्स, वी वाई, वी जेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे ये चीज़ें बता दो। तो जेड कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो जीरो ही है, जेड में चलेगा ही, सॉरी वाई, वाई में चलेगा ही नहीं, अभी बताया ना वाई वाई जीरो है और वी वाई भी जीरो है। देखो छः में से चार चीज़ें तो आ गई, और ये छः में से दो चीज़ें आ गई, सॉरी वी एक्स भी आ गया। बोलो आ चुका वी एक्स, आ चुका। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में क्या दिक्कत है, क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी करोगे, तो ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी टाइम तक, रेस्ट से एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से एक्स पे, तो एक्स आ गया ई नॉट बाई बी नॉट। साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस, और ओमेगा टी और टी के साथ जो लिखा है डिवाइड में आता है, माइनस होगा अपर लिमिट डलेगी कोस ओमेगा टी, लोअर लिमिट डलेगी जीरो हो तो वो वन बनेगा, तो माइनस अंदर चला जाएगा, आ जाएगा वन माइनस कोस ओमेगा टी। बोला ये दोनों आ गए कि नहीं आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वी एक्स भी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये दोनों चीज़ें भी आ गई। बोला सही बात है। अब कहानी रहेगी जेड कोऑर्डिनेट और वी जेड की, वी जेड की कहानी रह गई और जेड कोऑर्डिनेट रह गया, है ना। अब आप एक काम देखो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको वी एक्स पता है उठा के यहाँ डाल देंगे तो वी जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हम डालने जा रहे हैं। देखो कैसे, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ डाल के, ठीक है, इसको हटा लेते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्यू बाय एम आ गया, बी नॉट आ गया और वी एक्स, ई नॉट बाय बी नॉट आ गया, ई नॉट बाय बी नॉट आ गया, साथ ही साथ साइन ओमेगा टी आ गया और ये आ गया डी वी जेड बाई डी टी, तो डी वी जेड आ गया और डी टी इधर आ गया, और ऐसे बी नॉट से बी नॉट कट गया। जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी थी पार्टिकल रेस्ट पे था, वी जेड वेलोसिटी है टी टाइम पे, तो आ गया क्यू ई नॉट बाय एम आ गया। फिर से साइन का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोस, इंटीग्रेशन माइनस कोस हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, ठीक आ गया। साथ ही साथ क्या करोगे, साथ ही साथ क्या करोगे, टाइम डालोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कॉस आएगा तो कॉस ओमेगा टी अपर लोअर लिमिट आएगी वन, जब माइनस अंदर लोगे तो वन माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, वन माइनस कॉस ओमेगा टी वी जेड हो जाएगा, ठीक है। सही है, पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई जेड कोऑर्डिनेट, जेड वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई पार्टिकल की, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारे पास सॉल्व हो चुका। जेड कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, अब जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसी को लिख दोगे आप डी जेड बाई डी टी, तो आप क्या करोगे, क्यू ई नॉट बाय एम डी टी माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी डी जेड आ जाएगा, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे आप, सही है, और ओमेगा भी आएगा। बोलो टाइम जीरो पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो था, टाइम टी पे जेड कोऑर्डिनेट कुछ जेड होगा, ठीक, तो इसको क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे इसको, देखो
इसको लिखोगे आप क्यू ई नॉट बाय ओमेगा एम, डी टी का बनेगा टी माइनस क्यू ई नॉट बाय ओमेगा एम, कॉस का कॉस ओमेगा टी आएगा इधर, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और टाइम का जो लिखा ओमेगा बाहर आ जाएगा डिवाइड में, और साइन हो जाएगा तो अपर लिमिट साइन ओमेगा टी, लोअर लिमिट जीरो जीरो ही बन जाएगी, ये आ जाएगा जेड कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया, हमने सारी चीज़ें पता कर ली। हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी तो वो तो मुझे पता ही है, एक्सेस एक्सेलरेशन तो हमेशा क्यू यूनिट बाय एम ही है, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना एक्सेस एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है क्यू यूनिट बाय एम, तो ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है ना क्यू यूनिट बाय एम लिखा हुआ देखो, और इसकी वजह से भी तो है, वी जेड डाल दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो एक्सेस फोर्स आ जाएगा एक्सेस में, वी एक्स डाल दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो फोर्स आ जाएगा जेड एक्सिस में। बोलो ये चीज़ें भी पता कर सकते हो आप बहुत आराम से, सही है। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, सारे कोऑर्डिनेट्स आपने पता कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मोशन जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो होगा साइक्लॉइड, कैसा मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का साइक्लॉइड होगा, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज साइक्लोइड लिख लो आप, ठीक है ना। जब मैं क्या करता हूँ, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज साइक्लोइड, फिर आपको ध्यान ही रखना है, मुझे कैसे पता चला, ठीक है ना, वो बता देता हूँ कि साइक्लोइड है। साइक्लोइड की इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता नहीं है, ठीक है ना, आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे टाइम लिखा, जेड कोऑर्डिनेट है यहाँ टाइम लिखा, तो एक काम करो यहाँ से टाइम एलिमिनेट करो और यहाँ पुट कर दो, तो जो इक्वेशन आएगी एक्स जेड में, एक्स और जेड में जो ट्रैजेक्टरी आएगी वो साइक्लोइड की आएगी, उसी इक्वेशन को साइक्लोइड की इक्वेशन बोला जाएगा। उसका ग्राफ कैसा होगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्स जेड प्लेन में ग्राफ होगा, सबसे पहली बात ये एक्स होगा ये जेड होगा, तो x इक्वल टू जीरो पर चालू हुए देखो, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर चालू है। दोबारा x जीरो कब होगा, जब cos ओमेगा t क्या होगा वन होगा, तो cos ओमेगा t वन, ओमेगा t की वैल्यू जीरो टू पाई फोर पाई, इन सभी वैल्यूज पे cos ओमेगा t वन होता है, तो टाइम की वैल्यू पाई बाई जीरो पे और फिर 2 पाई बाय ओमेगा पे, किस पे 2 पाई बाय ओमेगा पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, सही है। जेड कोऑर्डिनेट जीरो कब होगा, जेड कोऑर्डिनेट टाइम जीरो पे जीरो है, और 2 पाई बाय ओमेगा पे 2 पाई बाय ओमेगा डालूंगा तो जब मैं यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम से टाइम 2 पाई ओमेगा जीरो बन जाएगा तो, और यहाँ 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। बोलो सही बात है ना, पक्का, तो 2 बाई ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा जेड कोऑर्डिनेट, जब जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उस समय जीरो है, तो ऐसा पाथ होगा, ठीक है ना। और ये होगा यहाँ पे टाइम हो चुका होगा एक, 2 बाई ओमेगा का टाइम हो चुका होगा पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे दोबारा जीरो हो चुका होगा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो चुका होगा यहाँ पे, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो चुका होगा क्यू ई नॉट बाय ओमेगा एम, और टाइम की वैल्यू डालूंगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, पक्का। इसके बाद फिर पाथ सेम रिपीट होगा, ऐसा सेम पाथ ऐसा रिपीट होगा, ठीक है, ऐसा रिपीट होगा सेम पाथ, जेड एक्सिस होगी, इस तरीके का पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, सही है। मैंने मैक्सिमम एक्सिस में डिफ्लेक्शन कितना होगा ये आधे टाइम पे होगा, ये आधे टाइम पे होगा तो कितना होगा, जब पाई बाय ओमेगा होगा, पाई बाय ओमेगा होगा तो ये मान माइनस माइनस वन टू बन जाएगा, तो टू ई नॉट बाई ओमेगा बी नॉट, टू ई नॉट बाई ओमेगा
बी नोट, सही पक्का समझ में आई बात। एक्स एक्सिस में डिफ्लेक्शन कितना जाएगा और जेड एक्सिस में तो जाता ही जाएगा, ये रेड रेड जेड कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट दोबारा इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, फिर अगला समझ में आई। तो इस तरह का बात होगा, इस पाथ को बोलते हैं हम साइक्लोइड। क्या बोलते हैं इसको हम? साइक्लोइड। ये कंडीशन सेम बनती है जैसे वहाँ पे बना था ना, याद होगा आपको, रोटेशन पढ़ाया आपने अगर, तो रोटेशन पढ़ाया तो प्योर रोलिंग के टाइम पे एक व्हील यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है 2πr। व्हील का सेंटर कितना मूव करता है? 2πr। तो व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना, कैसा पाथ करता है, उन्होंने बताया था आपको कैसा पाथ करता है, साइक्लोइड। इसको बोलते हैं साइक्लोइड पाथ, साइक्लोइड पाथ, ठीक है ना, पक्का सही है। और मैंने आपको यही बताया था ये कितना होता है, फिर साइक्लोइड पाथ में ये कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना चलता है, ये डिस्टेंस चलता है 8r। बोला याद है कितना होता है ये 8r, जबकि सेंटर कितना मूव करता है 2πr, सही। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हैंडल करना आपको सिखा दिया है बेटा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट एडवांस एंड ओलंपियाड एंड KVPY। दिस इज ऑल अबाउट एडवांस ओलंपियाड एंड KVPY, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।